शिक्षक दिवस यानी टीचर डे सभी स्कूल एवं कॉलेजों में मनाया जाता है। एक गुरु और छात्र के लिए शिक्षक दिवस का बहुत महत्व होता है। शिक्षक दिवस विभिन्न देशों में अलग अलग तारीख को मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये शिक्षक दिवस मनाया क्यों जाता है, तो चलिए जानते हैं शिक्षक दिवस मनाए जाने के पीछे की कहानी। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बहुत ही विद्वान शिक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में देश के भविष्य को संवारने में अपना योगदान दिया। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुतनु में हुआ था, जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरस्वामी और माता का नाम सीतम्मा था। उन्हें राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया और सन 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद उनके मित्रों और उनके कुछ छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा व्यक्त की, तो उन्होंने कहा अगर उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए और उनका जन्मदिन सभी शिक्षकों को समर्पित कर दिया जाए तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए 5 सितंबर 1962 से भारत में प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 17 अप्रैल 1975 को 86 वर्ष की आयु में भारत के इस महान शिक्षक का निधन हो गया। भारत में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को इनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और आने वाले सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन पर जरूर क्लिक